हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो लेके आता हूँ। तो इसी के तहत आज हम बात करेंगे RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये क्या है, सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे है और इसका जो बिजनेस है वो रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी करना है। ये एक PSU है जो इंडियन रेलवे के अंडर आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आएगा। RVNL फाउंडेड इन 2003 एंड हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली है। और अभी इसका जो है मनी कंट्रोल पे CMP वगैरह चेक करते हैं और उसके बाद जो है इसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखेंगे। तो चलते हैं मनी कंट्रोल पे। फ्रेंड्स, जैसा आप मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं, आज ये जो है 32.05 रुपये पे क्लोज हुआ है। रेल विकास 23 जून का है और अगर डे लो आई की बात करें तो 31.85 रुपये इसका लो था और 32.70 रुपये इसका आई है। वहीं अगर 52-week लो आई की बात करें तो 18.05 रुपये लो है और 35.55 रुपये आई है। तो उसके बाद मनी कंट्रोल पे आप जो है PE रेशियो, EPS वगैरह ये सब देख सकते हैं। तो इसका जो PE रेशियो है वो 7.8 जो है अभी देख सकते हैं और इंडस्ट्री PE रेशियो है वो 28.9 है। तो यानी जो कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा PE रेशियो है। और उसके बाद में इसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब आपको मनी कंट्रोल पर मिल जाएगा। तो अभी हम देखेंगे इसका जो फ्यूचर क्या रहने वाला है, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है, टारगेट वगैरह। तो देखते हैं क्या इसका टारगेट रहेगा। फ्रेंड्स, आज की एक गुड न्यूज़ है कि ये केशवराम जो हमारे चैनल पे बताया गया एक जो शेयर, ये 81.05 पे था 2 जून को जब मैंने इसका वीडियो बनाया था और टारगेट 95 का दिया था। और आज आप देख सकते हैं 96.85 जो है अचीव करके आया है, यानी टारगेट इसने जो है मात्र 20 दिन में अचीव किया है और 20 दिन में लगभग ये जो है 17-18% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, आपने मनी कंट्रोल पे इसका CMP देख लिया है। तो अभी इसका जो नेट सेल है दिसंबर 2020 का तो वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी 3732 करोड़ का है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 267 करोड़ है। और बाकी ये जो है टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली आप देख ही सकते हैं और मनी कंट्रोल पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब जो है इसके फंडामेंटल और ये जो टेक्निकल डाटा चेक करके एक एनालिसिस पे पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो आने वाले 15 से 20 दिन में 36 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो यानी अभी से ये जो है 12-13% के ग्रोथ के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट है वो पेशेंस के ऊपर है, आपको कई बार मैं बता भी चुका हूँ वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं काफ़ी वीडियो लेके भी आता हूँ और काफ़ी टारगेट अचीव भी हो रहे हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।